लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई है या मॉम एंड डैड वुड लाइक टू आंसर ऑन दैट. So my dress code, like, I have to be like Dadu only, like how he used to dress up, he used to wear his chains, his flashy clothes and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my version of Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए. तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बल बूते पे काम करके, मेहनत करके, सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट. एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है. इधर सर. सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी जमाना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी जमाना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी जमाना देखा, उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत जरूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही है कि स्टार्टअप का जमाना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत जरूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूं कि सब आगे बढ़े, खूब सब सफल हो, रेगो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति जरूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर प्रेशर ज्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है, तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो. सवाल है सर, एक वक्त हुआ करता था और माँ बाप चाहता था मेरा बेटा बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया उनके लिए, वीडियोस किया है डैडी के साथ. आई थिंक मोस्ट ऑफ माय यू नो टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, यू नो मैनेजिंग हिम हिज वर्क. अभी वही बहुत आयरोनिक है कि अभी रेगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को. उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था, उनका ही इट वाज हिज आइडिया एंड उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर वेस्टर्न म्यूजिक, उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था, और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब. बहुत ही अच्छा आजकल के एक्चुअली यू नो हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज किए हैं, तब के टाइम डिफरेंट था. आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे ये लोग एक बार लगा लो चालू हो गए. हम लोग बहुत अलग टाइम के थे, तो we were still learning and you know working on, but aajkal ke bachche is very fast, you know, they learn fast, they quick, they are very camera friendly, top, you know, so I mean social media ka time hai, so they all know it, jyada mehnat nahi karna pad raha. Thank you so much. So as you know, my dad's movie is releasing this March or this April, uske jo gaane usko do line ga sakta. हाँ प्लीज भाई. नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा.